यूपी के बलिया जिले में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर बांसडीह नगर का भ्रमण किया। बांसडीह तहसील में बैलगाड़ी से पहुंचकर तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं तहसील परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एसडीएम को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने ज्ञापन भी सौंपा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अनवरत रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम जनता पे बहुत मार पड़ रही है। एक सांकेतिक हम लोग देने आए थे यहाँ पे पत्रक ज्ञापन कि जो रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं उससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। कुछ दिनों में बहुत ही जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि गाड़ियाँ रुक जाएंगी और वापस हम लोगों को बैलगाड़ी का सफ़र करना पड़ेगा। तो सरकार को ये बताने के लिए हम लोग आज बैलगाड़ी से यहाँ पे एसडीएम महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन देने आए थे कि जो अनवरत डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जो प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी पे जो ध्यान देने की ज़रूरत है, जो गरीबों के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है, तमाम मुद्दे हैं हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आह्वान पे हम लोग आज ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय को एसडीएम महोदय के माध्यम से सौंपने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।